5, 4, 3, 2, 1, 0. तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मच अवेटेड चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। पूरे देश और दुनिया ने इसकी लॉन्चिंग को लाइव देखा और अब लगभग 42 दिन बाद यानी 23 अगस्त के आसपास इसकी लैंडिंग चांद पर होगी ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये क्या, चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग से पहले ही वहां कुछ लोग पहुंच चुके हैं। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। तो ये लीजिए, आदि पुरुष जितने में बनी उससे भी कम रुपए खर्च करके इसरो एक रॉकेट को चांद पर भेज रहा है और हमारा मीडिया उससे भी कम रुपए खर्च करके ऑलरेडी चांद पर पहुंच चुका है। न सिर्फ पहुंच चुका है, वहां पर कुर्सी डालकर बैठा है और वहां बातचीत हो रही है। चलिए ठीक है, गए तो गए, लेकिन अपने एक यात्री को यहीं क्यों छोड़ गए? अब बेचारा वो यहां क्या करेगा? नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल होगा। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो क्या आप लोगों को पता है कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में आखिर फर्क क्या है? चंद्रयान 2 इसरो का पूरी तरीके से फेल मिशन नहीं था, 80% वो मिशन सक्सेसफुल ही रहा था। चंद्रयान 2 का जो विक्रम लैंडर था उसकी लैंडिंग चांद के ऊपर नहीं हो पाई थी और करीब 2 किलोमीटर पहले चांद पर लैंड करने से पहले इसरो का और विक्रम लैंडर का जो कनेक्शन था वो टूट गया था। लेकिन चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में फर्क क्या है? इनमें इतना फर्क है कि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भी गया था और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं जाएगा, क्योंकि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो आज भी चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है, इसलिए चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। तो जो ऑर्बिटर की जगह चंद्रयान 3 में बची है उसका इस्तेमाल करते हुए इसरो के साइंटिस्ट ने इस चंद्रयान 3 के लैंडर को और ज्यादा मजबूत बनाया है। इसमें और ज्यादा टेक्नोलॉजीज जोड़ी हैं कि अगर एंड टाइम पर उस लैंडर को लगा कि वो उस जगह लैंड नहीं कर सकता है तो वो अपनी लैंडिंग की जगह भी बदल सकता है, और जब लैंडर लैंड हो जाएगा तो उसके अंदर से निकलेगा रोवर जो चांद पर उतरकर चांद की तस्वीरें लेगा और पृथ्वी पर भेजेगा, इसरो को भेजेगा, जो दुनिया भर के काम आएंगी। और अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल होता है तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा अमेरिका, चाइना, रशिया के बाद चांद पर जाने वाला। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमारे मीडिया के पत्रकार बंधु चांद पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं, इसरो के साइंटिस्ट भी ऐसे ही बैठकर वहां पर वार्तालाप करें। कुछ भी। और सिर्फ चंद्रयान 3 ही चांद पर नहीं गया है, एक और आदमी है जो कहीं गया है, एल्विश यादव। ये बिग बॉस में चले गए हैं। ये वही एल्विश यादव हैं जो कल तक सलमान खान के फैंस को अपने घर में बर्तन धोने के लिए रख रहे थे और आज उन्हीं के घर में बर्तन धो रहे हैं। घर में एक बर्तन धोने वाले की जरूरत है, सलमान खान के फैंस के लिए एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट करेंगे, आ जाओ सैलरी भी मिलेगी। अब हाल ये है कि इनका जो बर्तन धोने वाला सिस्टम है ना, वही बिगड़ गया और अब ये सलमान खान के घर में बर्तन धो रहे हैं। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। सिर्फ यही नहीं, इन्हें और भी दिक्कतें थी सलमान खान से। पर एनजीओ खोल रखे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर हमें ये चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई उस पर हिटन रन का केस भी लगा रखा, ब्लैक बक मारने का मतलब हिरन मारने का केस भी लगा रखा, पर कोई गवाह नहीं बचा। सलमान भाई ने गवाही खत्म कर दी, तो अब कोई गवाही देने वाला बचा नहीं, तो आज भी खुले घूम रहे हैं। इस समय ये पता चलता है कि अगर तुम पर पैसा है, पावर है, तो किसी माई के लाल में जोर नहीं तुम्हें अंदर बंद करवा सके। आज भी सल्लू भाई खुले घूम रहे हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद की हेल्प करते हैं, सल्लू भाई का दिल बहुत बड़ा, अपने जैसे और भी क्रिमिनल्स की हेल्प करते हैं, जैसे सूरज पंचोली था, उसको लॉन्च भी सल्लू भाई ने करा था, पर ना उसको एक्टिंग आती ना कुछ आता, इसलिए बेचारा फ्लॉप होगा। कोई बात नहीं, और उसको ये फायदा होगा कि सल्लू भाई ने उसको उस केस में से निकलवा दे, जो उसकी बंदी थी, क्या नाम है, जिया खान, उसने सुसाइड कर लिया था, उसका नाम लिख के चली गई थी, तो उस केस में सूरज पंचोली को सल्लू भाई ने बचाया, वो मर्डर केस था, सॉरी। तो बताइए, सल्लू भाई ने इनके हिसाब से वो सब कुछ किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था और अब ये खुद ही सल्लू भाई के घर में जाकर बर्तन धो रहे हैं पैसों के लिए, और क्या बात हो सकती है। खैर जो भी है, हम तो यही कहेंगे कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और हिपोक्रेसी भी सिर्फ यही नहीं दिख रही है, सुभाषपा पार्टी के मुखिया ओपी राजभर साहब ने तो हद ही पार कर दी है दोगलापंती की। 2022 में सपा के साथ गठबंधन करके जब ये चुनाव लड़ रहे थे तभी इनके बोल क्या ही थे। योगी जी, तुझे तो वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो बताइए, ये हाल है, ये हर चुनाव में एक नई पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ऐसी कसम इन्होंने खा रखी है।
दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। आर यू कॉमेडी मी? तो जो फूल इनके मुंह से भाजपा के लिए झड़ रहे थे वही फूल अब हो सकता है कि सपा के लिए झड़ें या अन्य दूसरी पार्टियों के लिए। जो कह रहे थे कि भगवान खुद आकर बोलेंगे तब भी भाजपा में नहीं जाऊंगा, वो ही पलट गए। मतलब भगवान की तो रख लेते, भगवान भी आकर के हमारे सामने प्रकट होके कहें कि चलो भाजपा में, तब भी मैं नहीं जाऊंगा। और दोस्तों बाढ़ का कहर हर जगह जारी है। पानी हमारे पास आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सही बात। और इस आपदा में अवसर ढूंढना कोई मीडिया से सीखे। फिर से आपको दिखाते हैं दिल्ली में बाढ़ की त्रासदी। और देखिए अभी यमुना का जल स्तर कम हो रहा है लेकिन अभी भी कई जगहों पर ये गले तक आ रहा है। खासकर एबीपी न्यूज से सीखे कोई। सीखे। फिर भारत मीडिया के मामले में दुनिया में 161वें स्थान पर आ जाता है तो ये कहते हैं उसकी बात मत करो, वो विदेशी एजेंसियों का एजेंडा है। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।